हजार पदों की घोषणा की गई, उसके बाद ये भर्ती किसते किसते आज 3 साल हो गए। 3 साल से बहुत रिटायरमेंट हुए, जगह भी खाली, उसके अलावा बहुत सारी बातें, जैसे भारी कोर्टों के, भारी राज्य के बच्चे इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा EWS को जोड़ा गया तो हमसे आ गया 2100 सीटें बढ़ाई जाएंगी। EWS की 10% आरक्षण वो भी नहीं किया गया। उसके अलावा क्या बोलते हैं, वो कॉमर्स वाले बच्चे जोड़े, सेकेंड ईयर बीएड वाले भी बच्चे जोड़े, STC सेकेंड ईयर वाले भी बोर्ड, सब बच्चे इसमें आ जाते हैं, कॉमर्स वाले भी जोड़ दिए। सर बच्चों को बढ़ाते गए, बच्चों की संख्या बढ़ती गई, आगे दिनों की संख्या बढ़ती गई, डेट पर डेट चेंज हुई, 6 बार 5 बार डेट चेंज हुई सर, उसके बावजूद पद वही है, पदों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया। अब सर विशेष STC वालों के लिए भी प्रावधान है, सबके लिए दिया गया, हमारे पद वही हैं। आज 26 लाख लोगों ने सब दिया है, 26 लाख में आज अब मैं आप एक साधारण सी बात सरकार से इतना से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 80% बालक बच्चा अध्यापक बनने के योग्य नहीं है सर, तो फिर कौन बनेगा सर? अगर 80% % ला रहा है कोई बच्चा, अगर कोई अध्यापक नहीं बन सकता तो फिर सर कोई मापदंड ही नहीं है। इसका मतलब या तो एग्जाम का कोई मापदंड नहीं रहा या फिर कोई ना कोई खामी रही है सर। मैं आपसे निवेदन इतना करना चाह रहा हूँ सर, बच्चों की मांग है, ये पूरे राजस्थान की मांग है सर, हमने सर समर्थन दिया था, आज भी हम यहाँ विरोधी नहीं, सरकार का विरोध नहीं, हम उनके बच्चे हैं सर, और हम उनके बच्चे हैं तो हमारे पिता स्वरूप हैं मुख्यमंत्री जी, हम उनसे अपनी समस्या का उन्हीं से निराकरण चाहेंगे, बाहर ही जाएंगे नहीं, हम यहाँ आके बैठेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारी ये समस्या है। तो हमारा निवेदन सर इतना ही है कि बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, 31,000 में सर इसका निराकरण नहीं हो पाएगा, बच्चे सर 80% लाकर भी रह जाएंगे, जब बीएड सेकंड ईयर वाले एफबीयरिंग सब कुछ शामिल कर लिए सर, तो दूसरी भर्ती की बात करें तो किसके लिए सर? बच्चे तो बच्चे नहीं, 2023 में नया बैच आएगा तो किसके लिए भर्ती बचा के रखी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। पूरे बच्चे आ गए सर, 26 लाख बहुत बड़ी संख्या हो जाती है सर, 31,000 सीटों पर 26 लाख विद्यार्थी किसी तरह के से नहीं बैठते। अगर दोबारा पेपर कराएंगे तो वही फिर समस्या आएगी, 80% का ये सर हमारी कमी नज़र आएगी, 80% ला रहा है विद्यार्थी भी, फिर भी टीचर नहीं बन पा रहा है, बहुत बड़ी विनम्रता है सर। इसलिए हम ये चाहते हैं निवेदन करके सर कि 50,000 या इससे ज़्यादा जितनी गुंजाइश हो, कम से कम 50,000 सीट की जाए, जिससे विद्यार्थियों को हक मिल जाए, ये सर हमारी स्पेशल हमारी मांग नहीं है। खूब चीनी ने सबने एग्जिट पोल कराया है, पूरे राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा 80% बेरोजगारों की मांग है, उसकी परिवार वालों की मांग है। हम आपसे निवेदन करते हैं अगर हमारी सरकार हमें सही आश्वासन देती है और